بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إلى آخر الآية. हमारा आज का सबक सूरत अल माईदा की आयत नंबर 12 और 13 का है। ये मज़मून नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। आयत नंबर 12 11 लिखी गलती से, आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 31 तक दरमियान में और बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन कानून इलाही से एतराफ करना, इनहराफ करना खास तौर पर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। कानून इलाही, अहद इलाही यानी अल्लाह ताला का से किया हुआ वादा, जैसे कि मैंने कल जिक्र किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, तो वो जो वादा है अल्लाह की तरफ से, वो जो पैगाम है अल्लाह की तरफ से, उस पैगाम की याद दहानी भी अल्लाह कराते रहते हैं। चुनाची आयात में बताया कि वलकद अखद अल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, पक्की बात यह है कि अल्लाह ने बनी इसराइल से मीसाक लिया। मीसाक उस वादे को कहते हैं जो सब लोग मिलकर एक वादा करते हैं, उसको मीसाक कहते हैं। यहां से वही मीसाक मुराद है जो अल्लाह ने अहदे अलस्त हमसे लिया था। इसको और भी कुरान मजीद में बहुत से मकाम पर आता है, अहदे अलस्त यानी अल्लाह ने तमाम इंसानों से सवाल किया था। भई ये हदीस नहीं, ये कुरान है, तो समझ जी अहदे अलस्त के बारे में जो मैं बता रहा हूँ ये कुरान है, इसको कोई गलत नहीं समझ सकता। वो ये समझे कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, वो अपने ईमान की खैर मनाए। तो अहदे अलस्त मुराद, अलस्त यानी अहदे अलस्त को मिसाक इसलिए कहा जाता है कि मिसाक जो होता है वो सब लोगों लोग मुतफ़िका तौर पर एक वादा लेते हैं, उस वादे को मिसाक कहते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में और दीगर इस वक्त जो जमहूरियत में एक निज़ाम है, वो जैसे ही कोई सदर बन के आया या वजीर आजम बन के आया तो सबसे पहले वो हलफ उठाता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया था तो उस वक्त सब इंसानों से हलफ लिया था कि तुम लोग मेरी इबादत करोगे, बंदगी करोगे। तो ये अहदे अलस्त है। एक मिनट, स्क्रीन आई हुई आगे मैं हटाना चाह रहा हूँ। तो वलकद अखदुल्लाह मीसाका, मीसाका समाज वो अहदे अलस्त, जब हमने इनसे एक अहद लिया, ठीक है। अरे नहीं 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 गलत हो गया भाई, अहदे अलस्त का जिक्र ऊपर गुजरा है, मैंने यहाँ पर समझ लिया। वलकद अखदुल्लाह मीसाका बनी इसराइल, इससे अहदे अलस्त भी मुराद हो सकते हैं और एक और अहद भी मुराद हो सकता है, ठीक है। एक तो अहदे अलस्त मुराद हो सकते हैं और एक और अहद मुराद हो सकते हैं कि अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर के जरिए से इन लोगों से वादा लिया। तो ये वादा दुनियावी और जमीनी वादा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इसमें दो तावीलें हैं, दोनों आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। वबाअतना, और फिर उस वादे को पूरा करने के लिए हमने भेजे, वबाअतना मिन्हुम इस्नै अशरा नकीबा, और हमने बनाए मिन्हुम उनमें से इस्नै अशरा यानी 12 लोग, नकीबा नकबजन यानी यानी
आप नकीबा कहते हैं सरदार को, ठीक है, तो निगरान को, तो आशरा नकीबा, तो हमने इसमें 12 सरदार मुकर्रर कर दिए, 12 सरदार बनी इसराइल के ऊपर मुकर्रर कर दिए। असल में ऐसा था कि जो बनी इसराइल थी वो बनी इसराइल मुस्तकिल उसमें रहती थी, यानी सारी बनी इसराइल की कौम एक जगह पर भी रहती थी। तो देखें क्या हुआ कि बनी इसराइल के तमाम लोग सब एक जगह पे रहते थे। आज भी आप बादल को देखें, सब लोग एक कम्युनिटी बना के रहते हैं। ये हम मुसलमानों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हम लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, हम लोगों में इत्तेहाद नहीं। चुनाचे ऐसा हुआ था कि इन लोगों के 12 कबीले थे और हर कबीले का एक जो सरदार था उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नकीब बना दिया। वबअथना मिनहुम इथ्नै आशर नकीबा, 12 इसना आशरी नकीबा, 12 जो है वो सरदार, 12 जो है वो निगरान, जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर कर दिया। कहाँ चला गया? काला, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा देखो इन अमीरों उमरा की बात मानना, जब इनकी मानोगे काला तो कहा अल्लाह ताला ने इन्नी मअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, अल्लाह की मदद साथ होती है, उसके साथ कुछ चीजें भी जरूरी हैं। ये देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तैयार करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बरगुजीदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से चुने हुए लोग, ठीक है, वो साथ है, ठीक है, और उन सही के साथ होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को हिदायत दे रहे हैं। लाइन अकम तुम सला, अगर तुम नमाज कायम करोगे, वह आदई तुम जका, और तुम जकात दोगे, वह आमन तुम बेरूसुली, और मेरे पैगंबरों पर ईमान लेके आओगे, मेरे पैगंबरों के ऊपर ईमान लेकर आओगे, तो उसके बाद क्या, ये देखें लइन आ गया ना, लइन, लइन का तर्जुमा मुजारे से नहीं होगा, माजी से होगा तर्जुमा। लइन अकम तुम सला, अगर तुमने नमाज कायम की, अगर तुम नमाज कायम करते हो, ये तर्जुमा गलत किया मैंने, लइन आ गया था तो मेरे जहन में निकल। आदई तुम जका, तुमने जकात अदा की, व आमन तुम बेरुसुली, मेरे पैगम्बरों पर ईमान लाए, आज़र तुम, और इज्जत के साथ उनका साथ दिया, वह अकर्ज तुम्ला कर्ज हसना, और अल्लाह ताला को कर्ज हसना दिया, ठीक है, तो लउकफ़िरन्नकुम सय्यिआत, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है, लउकफ़िरन्नकुम, तो मैं जरूर भी जरूर हटा दूंगा तुमसे तुम्हारी सय्यिआत को, बुराइयों को, वलउदख़िलन्नकुम, और जरूर भी जरूर तुमको दाखिल करूंगा, जन्नातिन तजरी, उन बागात के अंदर जिनके नीचे नहरें बहती हैं, फमन का फर, बस फिर जिसने कुफर के बाद अदारी का इनमें से किसी ने फकद्ला सवा असबी, तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। देखें जी, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे साथ हैं, इसके बावजूद अल्लाह कह रहे हैं देखो नमाज कुरान करोगे तो तब तुम कामयाब हो गए, नमाज कुरान नहीं पढ़ोगे तो तुम कामयाब नहीं हो गए। चुनाचे नमाज कुरान भी पढ़ना पड़ेगा, सदका भी देना पड़ेगा, दीन के रास्ते में पैसे भी लगाने पड़ेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको कामयाब फरमाएंगे। अगर ये कहो कि जी मेरा तो कुछ लगे ही नहीं, बखील लोग बहुत जल्दी तबाह हो जाते हैं, बखील लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बखील लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो वो एक ना एक दिन टूट के रहते हैं, यानी वो किसी दीन या हल्के के साथ जुड़ के नहीं रहते, जुड़ के रह सकते भी नहीं है,
बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं। ये थोड़ा बहुत तजुर्बा है, अल्लाह ने इंसान का मिजाज ऐसा बनाया है कि वो अपने मिजाज को अपनी मर्जी से ढाल सकता है, अगर वो कोशिश करे तो ढल जाएगा, अगर वो कोशिश करे तो ढल जाएगा, नहीं कोशिश करेगा तो नहीं होगा। चुनाचे कोशिश बताइए, अकम तुम सलाह नमाज, वादे तुम जगह जगह वामन तुम मेरे से मेरे रहो, वाजा तुम और इज्जत के साथ उनका साथ दो, पैगम्बरों का साथ दो इज्जत के साथ, ऐसा लोग उनको घसीट के लेके जाना पड़े। चुनाचे जो लोग अल्लाह वालों का साथ देते हैं उनके साथ, तो वो इज्जत का इसका ध्यान रखें कि वो उनकी इज्जत का पास और ख्याल रखें, क्योंकि बाज़ मरतबा जब जो लोग साथ देते हैं कभी खिदमत करके कभी फाइनेंशियली और कभी, तो वो ये समझते हैं कि हमारा तो कोई दूसरा मकाम हो गया, जब दूसरा मकाम अपना सोचने लग जाते हैं तो फिर वो उस चीज से महरूम हो जाते हैं। तो इज्जत दो, वाकरतुमुल्लाह कर्ज़ हसना, और सदका भी करो, और सदका करने का तरीका क्या है, अल्लाह को कर्ज हसना दो, यानी अल्लाह ताला सदके को कर्ज हसना से जोड़ता है। समझे, बड़ा अच्छा नुकता है। देखो जी, आप सफर पे जा रहे हैं और वहां खतरा है कि जान जा सकती है, वहां खतरा है एक्सीडेंट का। मैं सफर पे जा रहा था तो सफर पे जाने से पहले मेरे पास किसी कुछ अमानत रखी हुई थी, मैंने वो अमानत किसी बड़े के पास रखवाई, रखवा के ऊपर कागज लिख के दिया कि देखिए खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाता है, शहादत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या इस तरह का कोई आरजा लाहिक हो जाता है, तो ये अमानत ही उसको दे दिया। तो एक आम आदमी भी ये सोचता है कि मेरे जिम्मे किसी की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। जब हम सदका करते हैं तो हम समझ ले कि हम अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारी मौत से पहले पहले हमें ये कर्जा जरूर उतारेंगे, ये कर्जा जरूर उतारेंगे, इस वजह से इसको कर्ज हसना का। अगर ये सब करते हो तो लोगों का फिर देखे जी मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आप इसको खुद ही बनाए। देखिए नंबर एक हुक्म आप लाजमी बनाएगा, अभी आपको समझ आ चुकी होनी चाहिए हमें कैसे बनानी, एक हुक्म, दूसरा हुक्म, तीसरा हुक्म, चौथा हुक्म, वाकरतुमुल्लाह कर्ज़न हसना, ये पांच चीजें, ठीक है, पांच किस्म की चीजें हैं, और पांच किस्म की चीजों के बारे में फिर आगे इनाम लाउकुम सही याद, मैं जरूर भी जरूर तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, वाला उदिलकुम और मैं जरूर भी जरूर तुमको दाखिल करूंगा जन्नतिलहा, ऐसी जन्नतों के अंदर जिसके नीचे नहरें बहती हैं। हम इनका फरबारदारी कर, और उसके बाद जब ईमान लाने के बाद जो कुफर करे इनकार करे फकल्ला सवार सबील, तो वो बहुत बड़ी गुमराही है। अब क्या है, अब यह है कि जिन लोगों ने ये किया था फबीमान मीसाकहुम, और उनके वादा तोड़ने की वजह से लानाहुम, हमने उनको हमने उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अजाब, नंबर एक हमने उनको लानत कर दी, ऊपर लानत कर दी, वजअलना कुलूबहुम कासिया, और हमने उनके दिल सख्त कर दिए। नंबर दो, नंबर तीन, यहरीफुन कलीम मवाजी, ये अब किताबुल्लाह में तहरीफ करने लगे, इतनी बड़ी जुड़त इनको हो गया और ये किताबुल्लाह में तहरीफ करने लगे, ये तीसरी, और उसके बाद वनसू हज़्म मिम्मा ज़ुक्किरु, देखें इसका तर्जुमा किया जाए, हज कहते हैं हिस्से को, नसू कहते हैं भूलने को, मिम्मा ज़ुक्किरु कहते हैं नसीहत करने को, जो नसीहत इनको की गई वह नसू हुआ, अक्सर उसका हिस्सा भूल जाते हैं, यानी अक्सर हिस्सा भूलने का मतलब है मेन और बेसिक बुनियादी तालीम उसकी भूल जाते हैं, इधर उधर की चीजों की तरफ ध्यान करते हैं लेकिन बेसिक बुनियादी चीज भूल जाते हैं। जैसे मैं आप हजरात से कहता भी हूँ कि भाई कोई अच्छा सवाल हो तो जरूर करें, मुझे आपके सवाल से बड़ी खुशी होती है, लेकिन क्या है कि जो मैंने पढ़ाया उसी का सवाल करना शुरू करते हैं, यानी जो मैंने पढ़ाया है कि इसका क्या तर्जुमा है, उसका तर्जुमा तो मैं सबक में पढ़ा चुका हूँ, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि तालिब का नुकसान होता है, उस्ताद का दिल इकट्ठा हो जाता है, दूर होने लगता है।
يحرفون الكلمة المراضي، أب كلام کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں، ونزو حد مما ذکروا به، اور وہ بھولے ہوئے وہ بھولا دیتے ہیں، حظاً ایک بڑا حصہ مما ذکروا به جس کی وہ نصیحت کی گئی ہوتی ہے. ولا تزال تطلع على قائنة منهم، ولا تزال تطلع على قائنة منهم. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر ہے یہ آپ کو اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانت کی، الا قلیل منهم، ہاں ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں کریں گے. چنانچہ ہمیں بھی سکھایا، ہمیں بھی بتایا، دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی، یہ حضرات جب اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، جب یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، تو آپ اپنا احتیاط کریں. تو ولا تزال تطلع على قائنة منهم، آپ کو تو مسلسل اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیرتوں کی، الا قلیل منهم، ہاں ان میں سے کچھ عبداللہ بن سلام جیسے بھی لوگ تھے، سید المسیب جیسے لوگ بھی تھے، تو ان لوگوں نے ظاہری بات ہے اس کا لحاظ رکھا. فاعفو، آپ معافی مانگیے، عنہم، ان سے، واصفح، اور معاملہ صاف کیجئے. یعنی حکم دیا، ایک طریقے سے حکم دیا کہ جس کی طرف سے نفس عہد پہلے کیا گیا اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے، اب وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں جس کے ساتھ کبھی سختی کرتا ہوں تو میں بات اس طریقے سے کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. ایک منٹ، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یہ بات ذہن سے نکل گئی ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ تک ان کی خیانتوں کی اطلاع پہنچی رہی تھی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ہاں آپ إِلَّا کم بس ان میں کچھ تھوڑے سے ہوں گے جو کہ ایسی خیانت کی طرف نہیں جائیں گے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان کو معاف کیجیے، اپنے دل کو صاف کیجیے. فاعفو عنہم واصفح کی بات میں مکمل ذکر کر چکا ہوں پہلے پچھلے کسی سبق میں، کہ صفا کیا ہوتا ہے اور عفیت کیا ہوتی ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. بس جی، آج اتنا ہی، اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے.